नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 के हमें तीन क्वालिफाई टीमें मिल चुकी है, जिनमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मौजूद हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए ये तीनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है आईपीएल 2020 में। लेकिन दोस्तों, अभी भी चौथा स्पॉट खाली है, यानी कि चौथे नंबर के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच यहाँ पर रेस चल रही है। सनराइज हैदराबाद का होने वाला मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के साथ है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स में से कोई एक टीम पहुँच पाएगी। लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी आपको, तो ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्ले ऑफ में शानदार प्रदर्शन करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, फिलहाल आईपीएल 2020 एक बेहद ही रोमांचक मोड पर है, जहां पर अब तक 55 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं लीग के। लेकिन अभी भी चार क्वालिफाई टीमें नहीं मिली हैं, सिर्फ तीन ही मिल पाई हैं। जो तीन क्वालिफाई टीमें मिली है उनमें है मुंबई इंडियंस, जो कि इस आईपीएल 2020 में नंबर वन पर रहेगी। तो वहीं पर नंबर दो पर है दिल्ली कैपिटल, जो नंबर दो पर ही रहेगी। दिल्ली कैपिटल के जहां 16 अंक है, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के 18 अंक है। अब इन दोनों टीमों के बीच क्वालिफायर एक खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसके लिए एक और मौका रहेगा। वो मौका रहेगा आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर सनराइज हैदराबाद में से जो टीम जीतकर आएगी नंबर चार पर, उसके साथ एलिमिनेटर खेलेगी। वो एलिमिनेटर जीतने के बाद क्वालिफायर में पहुंचेगी और वहां पर दिल्ली कैपिटल या फिर मुंबई इंडियंस, जो पहला मुकाबला क्वालिफायर का हारेगी, उस टीम से खेलेगी। और वहाँ पर दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो यहाँ पर पहुँचेगी फाइनल में। इसके बाद क्वालिफायर वन की विजेता के साथ उनका फाइनल मुकाबला होगा, यानी कि आईपीएल का रोमांच अब बढ़ता ही जा रहा है। तो चले दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे पहले कि चौथी टीम यहाँ पर किस तरह से पहुँच सकती है। अब तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करें यहाँ पर चौथी टीम की, तो सनराइज हैदराबाद प्रबल दावेदार नजर आ रही है, क्योंकि उनका मुकाबला अभी भी बचा हुआ है मुंबई इंडियंस के सामने। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना आईपीएल के लीग मैच खेल चुकी है, लेकिन 14 मुकाबलों में 14 अंक के साथ वो इस समय नंबर चार पर है। सनराइज हैदराबाद को अगर प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उन्हें मुंबई इंडियंस को हर हाल में हराना होगा। अगर मुंबई इंडियंस को हराने में कामयाब होती है सनराइज हैदराबाद, तो ये सीधे प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी और साथ ही नंबर तीन पर भी अपनी जगह पक्की करेगी ये टीम। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक ही मुश्किल है। अब यहाँ पर सनराइज हैदराबाद अगर मुकाबला हारती है और मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतती है, तो ये टीम प्ले ऑफ में अपना स्थान पक्का कर लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंकों के साथ भी आईपीएल 2020 से बाहर होगी। लेकिन यहाँ पर यह दुआ करेगी कि सनराइज हैदराबाद मुंबई इंडियंस के सामने मुकाबला ना जीत पाए और ये प्ले ऑफ में पहुँच जाए। यानी कि दोस्तों, आखिरी मुकाबला यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। आखिरी मुकाबले में हमें चौथी टीम मिल पाएगी आईपीएल 2020 की। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है ये चौथी टीम क्या हो, कौन सी होगी, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर सनराइज हैदराबाद? अगर सनराइज हैदराबाद होती है तो फिर आगे यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें खड़ी करेगी ये टीम आरसीबी के लिए, क्योंकि इस टीम के पास काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी मौजूद है। तो वहीं पर इसके अलावा दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के फाइनल में पहुंचना अब आसान हो चुका है, क्योंकि एक मुकाबला अगर ये टीम हारती भी है क्वालिफायर में, तो एक और मौका इसे मिलेगा फाइनल में पहुंचने का। और इन दोनों टीमों से ही मुझे लगता है कि कोई एक टीम ही यहाँ पर इस बार का आईपीएल का खिताब जीतने वाली है, या तो मुंबई इंडियंस या फिर दिल्ली कैपिटल। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर तीन और नंबर चार टीमें भी अगर तीन मुकाबले जीत जाती है तो ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इस खिताब को जीत सकती है। यानी कि पहले इन्हें एलिमिनेटर जीतना है, इसके बाद क्वालिफायर टू जीतना है और वहीं पर फाइनल मुकाबला जीतना है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है इस बार का खिताब, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें आईपीएल की इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।